हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूमास फिजिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 9, जिसका नाम है क्या फोर्स ऑन ए करंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी वायर में करंट फ्लो हो रही होगी तो उस पर कितना फोर्स लगना है वो पढ़ेंगे। उसके बाद दो इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर को एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रख के उनके बीच कितना फोर्स लगना है वो पता करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे उससे रिलेटेड। तो अब तुम सब लोगों के बीच मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फोर्स तो हमने पढ़ रखा है, फोर्स होता है F इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा। तो वही कंफ्यूजन है क्या कि जब फोर्स पढ़ा है क्यू बी साइन थीटा वो किसके लिए है, जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, कोई चार्ज, ठीक है, ना कि करंट, कोई चार्ज जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो होता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्यू वी बी साइन थीटा, वो फोर्स कहलाता है। ऐसे ही अगर जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो वो करंट कितना फोर्स बनाती है ना, फोर्स ड्यू टू ए करंट, वो करंट कितना फोर्स लगाती है उस वायर में मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसे बोलते हैं फोर्स ऑन ए करंट। फिर हम पढ़ेंगे दो पैरेलल वायर के बीच, तो फिर न्यूमेरिकल। तो बने रहना मेरे साथ, हो सके तो नोट्स बना लेना और साथ साथ उतारते रहना। साथ साथ मतलब पहले मैं समझा दूंगा फिर उतारना, ऐसा नहीं कि सर पढ़ा रहे हैं और तुम भी लगे पढ़े हो, कुछ समझ में नहीं आने वाला बेटा, ठीक है। तो चलो हेडिंग लगाते हैं, फोर्स ऑन ए करंट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए करंट या करंट कैरिंग वायर, क्या है हेडिंग, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो हमने सबने पढ़ा है ना, फोर्स ऑन ए चार्ज कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा किस किस के बीच का एंगल था, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा वो तो मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन कैसे निकालते थे, डायरेक्शन निकालते थे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल कैसे कहता था कि अगर थंब करंट की डायरेक्शन को, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो पाम किसकी डायरेक्शन को, फोर्स की डायरेक्शन को। मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट इधर, तो फोर्स ऐसा लगेगा ऊपर की तरफ को, ठीक है। तो वही बातें आज हम करने वाले हैं कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उस वायर पे भी जो फोर्स बनता है करंट के कारण, वो भी हम किसके थ्रू निकालेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है सब जानते हैं, ये है फादर, ये है मदर, और ये क्या चीज है, चाइल्ड, इसका छोटा सा बच्चा। तो फोर्स क्या होता है, ये एफ, एफ मतलब फोर्स, फादर मतलब फोर्स, एम मतलब मदर, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और सी क्या चीज है, करंट, सी क्या चीज है, करंट, चाइल्ड मतलब करंट, चाइल्ड में ही तो करंट होता है ना, जब बच्चे होते हैं तो उनमें तो करंट होता है। चलो खैर, तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सब चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो भाई क्या करते हैं, एक कंडक्टर बना लो जिस कंडक्टर पर हमें क्या निकालनी है, करंट, करंट फ्लो करके फोर्स निकालना। तो मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ सर L होगी, बिल्कुल सही बात है, इसकी लेंथ कितनी होगी, L, तो L लेंथ है भाई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है यूनिफॉर्म इंटेंसिटी के, इस बात को भूल न जाना ओ मेरे यारा, ठीक है ना, इसे मत भूल जाना। ये कहाँ को है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, चलो बहुत अच्छा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनसाइड, इस चीज़ को तो अब रट गए होंगे तुम, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बताने में, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें सब पता है, अच्छी बात है। ये ए, ठीक है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तुम्हें पता है ड्रिफ्ट करंट कैसे फ्लो होती है किसी वायर में, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण, है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडम मोशन करते हैं, एक फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शिफ्ट हो गए, डांस करते करते ऐसे चले गए, ये डांस कर रहे हैं और धीरे धीरे एक तरफ को जाते रहे, ये मार्केट डांस कर रहा और ऐसे ही जाता रहा, ये ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो मोशन है, ये जो मोशन है, ये वाला मोशन नहीं, ये वाला मोशन, ये ड्रिफ्टिंग है। तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण करंट फ्लो होती है, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ को होगी, जिससे करंट इधर को फ्लो हो, सिंपल सी बात है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ को होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट कहाँ को जाएगी, अंदर को, इस तरह से आई करंट फ्लो हो रही है। अब जब करंट फ्लो हो रही है तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, कितनी इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी बी का, और क्या चीज़ है, करंट है, तो सिंपल सी बात है फोर्स भी लगेगा, एक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो मैग्नेटिक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर को,
और करंट की डायरेक्शन कहाँ को है, आगे को। तो मतलब देखो यहाँ करंट ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो देखो करंट ये जा रही ना, और मैग्नेटिक फील्ड वाली उंगली अंदर को, तो फोर्स कहाँ को है, ऊपर को, है ना। मतलब करंट ये, मैग्नेट फील्ड ये, और फोर्स ऊपर को। तो फोर्स कहाँ को लेके गए, इस इलेक्ट्रॉन पे, ऊपर की तरफ को। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलेंगे, FM, मैग्नेटिक फोर्स। चलो भाई, अब ये मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है ये पता लगाना है। तो इसका मैग्नीट्यूड होता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो देख लो, याद रखो, ये होता है F, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्या, IBL साइन थीटा, वेयर थीटा क्या चीज़ है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन। अच्छा, किस किस के बीच का एंगल हो सकता है बताओ, साइन थीटा आया तो सिंपल सी बात है, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन लगेगा, तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन लगाने के लिए उन क्वांटिटीज का वेक्टर होना भी जरूरी है जिन दो क्वांटिटीज के बीच वेक्टर मल्टीप्लीकेशन हम अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ कौन कौन से क्वांटिटी है, देखो आई तो स्केलर क्वांटिटी है, तो बची दो क्वांटिटी, एक तो मैग्नेटिक फील्ड और एक कौन सी, लेंथ। अब ये लेंथ क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट के तरह बिहेव करेगी, ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूं मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसका डिस्प्लेसमेंट है, करंट का डिस्प्लेसमेंट। किस डायरेक्शन में होती है इसकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन में ये लेंथ होगी। ये लेंथ वेक्टर है, ये लेंथ वेक्टर है, जिसे कैसे कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। किसका डिस्प्लेसमेंट, करंट का डिस्प्लेसमेंट। मान लो अगर मैं बात करूं ए से इस पोर्शन से इस पोर्शन में करंट ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, एल। डिस्प्लेसमेंट कितना किया, एल। समझ में आया, इस चीज को अलग ना भैया क्या, तो चलो मैं लिख दो, अगर इसके वेक्टर फॉर्म लिखो तो वेक्टर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ऐसे ही, और क्या, वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आया, मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड आया है, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड। ये एंगल बिटवीन किस किस के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन बी एंड एल। अब एल क्या है, एल इज लाइक ए डिस्प्लेसमेंट फॉर द करंट। वैसे तो लेंथ होगी किसी भी कंडक्टर की, लेकिन करंट के लिए किसका रोल करेगी प्ले, डिस्प्लेसमेंट का रोल प्ले करेगी। समझ में आई बात, इतनी कोई दिक्कत यहाँ तक कि एल डिस्प्लेसमेंट क्यों है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है एल का डायरेक्शन भी वही होगा, तो करंट जितनी मूव करेगी उतना ही एल बताएगा। मान लो करंट यहाँ से यहाँ मूव किया तो कौन बताएगा, एल बताएगा कि करंट इतनी डिस्प्लेस हुई है। चलो बहुत अच्छी बात है, अब कुछ स्पेशल केस बनेंगे, सिंपल सी बात है, इस फोर्स के कुछ स्पेशल केस देखते हैं। तो स्पेशल केस क्या है बच्चों, स्पेशल केस क्या क्या, अच्छा ये आया कैसा, आईबीएल साइन थीटा भी बताना है क्या, बता दूं क्या, ये भी आईबीएल साइन थीटा कैसे आया है, बताना है या नहीं, चलो बता देता हूँ। फोर्स देखते हैं, तो फोर्स कितना, देखो चार्ज है, चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, फोर्स ऑन ए चार्ज कितना होता है, फोर्स ऑन ए चार्ज, चार्ज पे कितना फोर्स होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी यहाँ को, वेलोसिटी पीछे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो थीटा 90 डिग्री हुआ। तो सिंपल सी बात है, क्या होना, एफ इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है, माइनस ई, और ये क्या हो जाएगा, वी बी। कोई दिक्कत माइनस ई क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सी बात है, इधर के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वी बी। चलो भैया बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ क्या चीज़ है, यहाँ एक चीज़ दिख रही होगी तुम्हें, क्या, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकालने पड़ेंगे ना, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन पर इंडिविजुअल फोर्स लग रहा होगा, उन सब इलेक्ट्रॉनों का समी तो ये होगा फोर्स ऑन करंट उन जित, देखो एक इलेक्ट्रॉन की बात की थी मैंने, लेकिन क्या एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन तो कहीं सारे करोड़ों में इलेक्ट्रॉन है, तो हमने मान लिया एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में, इस वायर के वॉल्यूम में, क्योंकि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं बात करूँ कितने टोटल इलेक्ट्रॉन, कितने टोटल फोर्स के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन पर अलग अलग फोर्स लगेगा, तो उन सब इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले फोर्स का सम कर देंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा, जिसे बोलेंगे फोर्स ऑन ए करंट, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर तो करंट फ्लो करा रहे हैं, सही बात है नहीं है, ठीक है। तो माइनस ई, अब एन इंटू ए एल, ठीक है, वी बी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी यहाँ, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब क्या करते हैं, वेलोसिटी कौन सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, तो बी को अलग कर लो, क्या बचेगा, क्या बचेगा भैया, क्या बचेगा, एक तो एल अलग कर लो एक बी, तो देखो बचेगा वी डी एन ई ए एल बी, ये बचा। इस चीज़ को देखा है क्या, कभी देखा है क्या, थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा शायद, क्या बोलते हैं इसे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन में आया था ना, आई इज इक्वल टू क्या होता था, वी ना डब्ल्यू ई एन ए, ये होता था वी डी एन ई ए,
है ना, यही तो होता था। तो करंट रख सकते हैं इसकी जगह, तो इक्वल टू क्या जाएगा, आई बी एल, यही तो है। अरे यही तो है, ये तो निकालना था हमें, ये आया ना फॉर्मूला ड्राइव वगैरह को, एफ इक्वल टू आई बी एल, सही है ना। ठीक है, तो ऐसा है, वैसे पर ध्यान मत दो चाहे ज़्यादा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताने की बात थी बता दिया मैंने कैसे करना था, कैसे आया है। तो स्पेशल केस की बात कर रहे थे हम, तो स्पेशल केस में सबसे पहली चीज़ तो वही आती है, कब फोर्स मैक्सिमम होगा और कब फोर्स मिनिमम होगा। देखो वैन क्या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 होगा तो ऊपर चलो एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी एल, जो कि क्या होगा मैक्सिमम, कौन सी वैल्यू होगी ये, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। नंबर टू, व्हेन थीटा इक्वल टू क्या हो 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो एफ मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 180 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो 0 मिलेगा, फोर्स कैसा मिलेगा 0। ठीक है, और थर्ड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, यहाँ थर्ड लिखता हूँ मैं, यहाँ थर्ड, थर्ड जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या पार्ट है भाई, कि जो लेंथ है एल, क्या है एल, वर्क्स एज ए डिस्प्लेसमेंट, बताया था ना क्या, द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ एल इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड एंड इट वर्क्स, इट वर्क्स एज ए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट। चलो ठीक है, फोर्थ की बात अगर हम करें तो डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे इस फोर्थ के, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, टू फाइंड, ये सब स्पेशल केस हैं, टू फाइंड, चलो ये मत छोड़ो, ये तो तुम्हें पता ही है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता लगा सकते हैं। अब क्या करना है, अब देखो दूसरी चीज जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ये तो ये जो फोर्स है ना एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, कौन से वायर के लिए ट्रू है, ओनली ऑन स्ट्रेट वायर के लिए ट्रू। अब वायर हमेशा स्ट्रेट हो जरूरी थोड़ी है, वायर हमेशा स्ट्रेट हो ये भी जरूरी है क्या, नहीं हो सकता ना, वायर तो कैसे भी शेप में दे सकता है, वो आर्बिट्री शेप में दे सकता है, क्लोज लूप बना के दे सकता है, कैसे भी दे देगा। तो हमें अगर उस पर फोर्स निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो वो देखना है ना। तो लिखेंगे इफ वायर्स, वायर्स गिवन इन आर्बिट्री शेप, गिवन इन आर्बिट्री शेप, आर आर्बिट्री शेप, अगर वायर आर्बिट्री शेप में गिवन है, मतलब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ये लग रहा है भाई ऐसे, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये वायर गया ऐसे, ठीक ऐसे वायर जा रहा, मान लो वायर जा रहा है ऐसे, ठीक है, मान लो ए बी सी डी करंट फ्लो हुई इसमें, आई ऐसे, और लेंथ क्या है वायर की, वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, ये एल ऐसे है ना, ये क्या हो जाएगी वायर की लेंथ एल इस तरह से। तो हमें क्या बताना है, इस पर फोर्स बताना, तो देखो ये सेगमेंट है एक, है ना, टेढ़ा मेढ़ा सेगमेंट है, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है भाई, इंटीग्रेशन के बिना कैसे हो जाएगा ये, क्योंकि स्ट्रेट वायर हो तो डायरेक्ट आई बी एल साइन थीटा मैग्नीट्यूड पता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड पता है क्या, क्योंकि स्ट्रेट वायर नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो फोर्स क्या हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू आई, तो कॉन्स्टेंट बल लेंथ ही, लेंथ का ही छोटा सा टुकड़ा मानना पड़ेगा क्या, डी एल, डी एल क्रॉस वेक्टर बी, ये होगा क्या करे, यहाँ इंटीग्रेशन से आया टोटल, ये इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दिया भाई, कर दिया इंटीग्रेशन। अब एक बात बताओ, ये जो L है DL, ये मैंने बताया था करंट के लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट का रोल प्ले करता है, करंट के लिए किसका रोल प्ले करता है, डिस्प्लेसमेंट का। अब बताना जरा, A से D तक करंट गई है ना, A से D तक करंट, तो A से D तक गई है, तो करंट को A से D तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी, तो कौन सी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, देखो ये होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कौन सी होगी, AD। तो क्या लिखेंगे, DL इक्वल टू DL लाइक AD, क्या है ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट लेंथ, डिस्प्लेसमेंट की तरह बिहेव करती है, पहले बताया ना मैंने, तो शॉर्टेस्ट लेंथ हो गई, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा ये, शायद दिख नहीं रहा होगा ना ये, हाँ दिख नहीं रहा भाई ये, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसे, चलो ऊपर कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं भाई, ऊपर कर देते हैं। तो देखो बस एक बात याद रखना, तुम्हें जो मैं स्पेशल केस पढ़ा रहा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशल केस, याद रखना है ना। तो मैं अगर इसकी बात करूँ यहाँ, तो तुम्हें ये तो दिख गया ना कि कैसे, मैंने बताया अगर मुझे फोर्स निकालना है इस पर, तो फोर्स आर्बिट्री वायर के लिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आई है ना, इंटीग्रेशन डी एल वैक्टर क्रॉस वैक्टर बी, ये है भाई हमारे पास। अब डी एल क्या चीज़ है, अगर मैं देखूँ डी एल का इंटीग्रेशन कर दो, डी एल कहाँ से आया है, डी एल आया है, डी एल क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो बताया मैंने अभी, देखो डी एल किसके तरह वर्क करता है, एल या डी एल किसके तरह वर्क करता है, डिस्प्लेसमेंट की तरह है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से डी डायरेक्ट पहुंचेंगे ना, करंट तो ऐसे जा रही है,
करंट के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो कितना होगा ए से डायरेक्ट डी, तो अगर मैं फोर्स लिखूँ फोर्स मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स एफ इक्वल टू एम, तो आई कितना हो जाएगा ये ए डी है ना, ए डी और क्या हो जाएगा क्रॉस बी। अब ए डी की वैल्यू जो भी दी हो वो रख देंगे यहाँ, और करंट की वैल्यू रख देंगे और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रख देंगे। इंटीग्रेशन से भी बच गए हम, इंटीग्रेशन से भी हम बच चुके, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ केस क्या है, फिफ्थ केस में इफ वायर इज इन ए क्लोज लूप, इफ वायर इज इन, वायर इज इन ए क्लोज लूप, वायर अगर क्लोज लूप में, क्लोज लूप अगर वायर किस में दे रखा हो, क्लोज लूप में, मतलब मान लो यह वायर, ये क्लोज लूप है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और वायर कैसे है, क्लोज लूप में वायर है, तो करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है आई, करंट ऐसे घूम जाएगी पूरी लूप में, करंट ऐसे फ्लो हो रही है आई। अब एक बात बताओ, करंट इस पूरी लूप में फ्लो हो रही है, मतलब करंट लूप को कंप्लीट कर रही है, करंट जब लूप में फ्लो हो रही है तो करंट लूप को क्या कर रही है, कंप्लीट कर रही है, मतलब करंट जिस पॉइंट से चली, मान लो इस पॉइंट से चली तो इसी पॉइंट पर वापस आ जाएगी ना करंट, करंट मान लो पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ तो वापस पॉइंट ए पे आएगी, जब क्लोज को, जब लूप को पूरा कर रही है वो क्लोज लूप को, तो जिस पॉइंट से चली उस पॉइंट पे वापस, और जब जिस पॉइंट से चली उस पॉइंट पे वापस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ करंट का, जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, जीरो। अगर किसी वायर, किसी क्लोज वायर में फोर्स बताना है, अगर किसी क्लोज वायर में फोर्स बताना है तो हमें क्या देखना है, करंट की डायरेक्शन देखनी है। अगर करंट उस लूप को कंप्लीट कर रही होगी तो उस लूप पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, और अगर करंट लूप को कंप्लीट ना कर रही हो तो मैग्नेटिक फोर्स विल हैज सम वैल्यू। कैसे, देखो यहाँ ये तो लूप कंप्लीट कर दिया, ऐसे घूमी ऐसे, ऐसे घूमी ऐसे, मान लो मैं यहाँ से भी डायरेक्शन चेंज कर दूँ, ऐसे कर दूँ चेंज, तो क्या लूप कंप्लीट होगी, ये भी ऊपर ये भी ऊपर, तो लूप तो कंप्लीट नहीं होगी ना, तब कोई ना कोई वैल्यू होगी फोर्स की। तो किसको देखना है, करंट की डायरेक्शन को देख के पता लगाना है कि क्या करंट लूप, क्लोज लूप को कंप्लीट कर रही है या नहीं। तो क्या होगा, इफ करंट कंप्लीट, इफ करंट कंप्लीट कंप्लीट ए क्लोज लूप, क्लोज लूप देन, करंट कंप्लीट क्लोज लूप देन मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो ड्यू टू एल इक्वल टू जीरो, डी एल इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, एफ मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो आई बात समझ में, कैसे हुआ ये मैग्नेटिक फोर्स जीरो क्यों हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, क्वेश्चन करेंगे तब पता चल जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब किसी करंट, किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उस पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है आई बी एल साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा, जब एंगल दोनों के बीच का, किस किस के बीच का, लेंथ जो कि डिस्प्लेसमेंट की तरह बिहेव करता है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो फोर्स मैक्सिमम होगा। फोर्स जीरो कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल या तो 180 डिग्री हो या 0 डिग्री हो। फोर्स मिनिमम कब होगा, जब साइन की वैल्यू निगेटिव होगी। समझ में आई बात, चलो। उसके बाद हमने देखा कि क्लोज लूप में जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, अगर करंट क्लोज लूप का पाथ को कवर कर रही है पूरा, अगर करंट पूरी क्लोज लूप कवर कर रही है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो, अगर करंट पूरी क्लोज लूप को फॉलो नहीं कर रही तो करंट जीरो नहीं होगा। अब अगर कोई आर्बिटरी लॉन्ग वायर दे रखा है तो हमें उस आर्बिटरी लॉन्ग वायर का क्या चेक करना है, डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, और उस डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई करंट और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी से कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। और क्या चीज़ें देखी हमने, और चीज़ें देखी क्या, कि मैग्नेटिक फोर्स की अगर डायरेक्शन हमें पता लगानी है तो किसका यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इतनी सारी बातें सीखी हमने, आप कुछ क्वेश्चन करें इस पे बेस्ड, एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करें अच्छे अच्छे, जिससे और फंडा क्लियर हो जाए कि भाई हमने पढ़ा क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पे बेस्ड, फिर हम पढ़ेंगे किसकी तरफ को, कहाँ को बढ़ेंगे, आगे की तरफ को बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। और आगे क्या पढ़ेंगे, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, ये पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं यहाँ, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, किसकी बात करती है भाई, अगर मैं यहाँ बात करूँ कुछ क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन नंबर वन है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर, ठीक है, हैज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कितनी, 0.3 टेस्ला, विच इज
परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर, पेपर इनसाइड, प्लेन ऑफ पेपर इनसाइड. इफ वायर एक्सपीरियंस ए फोर्स, इफ वायर एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स, ए मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना 0.019 न्यूटन, देन फाइंड द करंट, करंट फ्लोइंग इन वायर, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन वायर. वायर में फ्लो होने वाली करंट बतानी, मतलब सिंपल जवाब दे रखा भाई, वायर ऐसे, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई इस तरह से, मान लो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है इनसाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ये रखा भाई इनसाइड करंट, ठीक है. तो उस पर फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, देखो मैं फील्ड अंदर है ना, तो करंट इधर, फोर्स किस डायरेक्शन लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, फोर्स एफ कितना होगा, एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, सिंस साइन थीटा कितना होगा, थीटा साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि 90 डिग्री है यार, सिंपल सी बात है 90 डिग्री है. क्या है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर को करंट ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो, लेंथ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो भैया 90 डिग्री, ठीक है. तो फोर्स हो जाएगा एफ इक्वल टू आई बी एल, तो आई की वैल्यू हो जाएगी एफ अपॉन बी एल, एफ की वैल्यू कितनी है 0.019, अच्छा बी कितना है भाई 0.3 इंटू एल कितना है 0.2, ठीक है. तो कितना बचेगा, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, पॉइंट बढ़ाया, जीरो बढ़ाया, तो कितना बचेगा 19/60, और काट दो भैया से 6 3 18, और कितना बचा पॉइंट, 6 2 6 6, और कितना बचा 4 6 6 36, ठीक है. तो ये बचा और ये जाएगा यहाँ, तो कुल मिला के ये जाएगा कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है इस वायर में, I इक्वल टू 0.316 एम्पियर की वायर में करंट फ्लो हो रही है. तो समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है, आया समझ में क्वेश्चन, ठीक है. अगला क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ही पूछा है. अब पूछा कैसे है, वायर की हमें शेप दे दी कैसी, देखो यहाँ हमें क्या दिया है, ये दो लूप दी है, एक लूप ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक लूप ये बना दी भाई, मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है ये, ठीक है, और एक लूप हमने ये बना दी यहाँ, ठीक है, एक लूप ये रखी है यहाँ पे, ये दो लूप रखी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनसाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनसाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, चलो जी अच्छी बात है. ये रहा, इसकी रेडियस कितनी है 1 मीटर, ठीक है. ए बी सी की बात हम करें, करंट फ्लो हो रही है ऐसे और ऐसे. इस लूप की अगर हम बात करें तो देखो ज़रा यहाँ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेम लूप है, सब कुछ वही है, सब कुछ वो का वो ही है, बस बदला क्या है ये तुम पहचानो, क्या बदला है ये तुम्हें पहचानना है. पॉइंट ओ सेंटर है, इसकी रेडियस वही 1 मीटर होगी यहाँ से यहाँ तक, चलो बस और क्या दे रखा है. तो कुछ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी है यहाँ, यहाँ भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.5 टेस लगे इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की. और क्या दे रखा है, करंट दे रखी है, करंट गई ऐसे और ऐसे, ठीक है. और करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 एम्पियर की यहाँ पे, और यहाँ पे भी करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 2 एम्पियर की, ठीक है. तो ये चीज़ें दे रखी है, हमें क्या करना है फाइंड, फाइंड मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स, किस किस पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फोर्स, ऑन लूप ए एंड बी, दोनों लूप पे मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है, लूप ए है ये लूप बी है. तो पहले लूप ए की बात करें, पहले देखना, सबसे पहले क्या देखना है कि करंट क्या लूप को कंप्लीट कर पा रही है. अगर करंट लूप को कंप्लीट कर पा रही है तो मैग्नेटिक फोर्स को बिना सोचे समझे क्या रख दो 0, अगर करंट लूप को कंप्लीट नहीं कर पा रही तो वैल्यू निकाल लो भैया. तो पहले केस में करंट देखे, करंट ऐसे घूमी वापस गई ऐसे घूमी, मतलब लूप को कंप्लीट कर पा रही है. देखो इधर को डायरेक्शन करंट की यहाँ और इधर को यहाँ, तो मतलब करंट लूप को कंप्लीट कर रही है. जब करंट लूप को कंप्लीट कर रही है तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा 0. तो लिखेंगे ए में, ए पार्ट में, इन लूप ए करंट कंप्लीट्स, करंट कंप्लीट्स क्लोज लूप, क्लोज लूप हैंस, तो क्या होगा, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 0. तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा,
मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा जीरो। तो पहली लूप में मैग्नेटिक फोर्स कितना आया, जीरो निकल के आया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड लूप में देखते हैं, सेकंड लूप में कैसे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फोर्स, ये और देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ जरा ध्यान से, सेकंड लूप में तो करंट क्लोज लूप नहीं बना रही ना, तो फोर्स होगा कुछ ना कुछ। तो देखो दो चीजें हैं, दो सेगमेंट है वायर के, एक सेगमेंट ए सी बी, इसे ई कह दो, चलो इसे ई कह दो। एक सेगमेंट क्या है दूसरे लूप में, ए सी ई, और दूसरा सेगमेंट क्या है, ए ई। दोनों पे फोर्स सेम लगेगा, सिंपल सी बात है यार, फोर्स तो सब पे सेम लगेगा क्योंकि सेम इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड है, सेम करंट फ्लो हो रही है और डिस्प्लेसमेंट भी दोनों का सेम है करंट का। करंट ऐसे जाएगी तब भी डिस्प्लेसमेंट ए ही, करंट घूम के जाएगी तब भी डिस्प्लेसमेंट तो ए ही रहना है। अरे लेंथ क्या, लेंथ नहीं लेनी, लेंथ लेनी है तो मतलब किस हिसाब से लेनी है, करंट के पाथ को देखते हुए। और तो करंट मैंने बताया एल क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द करंट है ना, तो करंट भले ही ऐसे घूम के जाए लेकिन करंट के अगर डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करूं मैं तो वो क्या होगा, वो ए ही तो होगा क्योंकि लॉन्गेस्ट पाथ है और ये शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक, तो चलो भाई, तो क्या करते हैं बी पार्ट में, क्या लिखेंगे, इन लूप बी, बी इन लूप बी फोर्स ऑन ए बी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, फोर्स ऑन ए सी बी, ए सी ई, फोर्स ऑन ए जो है, फोर्स ऑन ए जो होगा वो होगा इक्वल फोर्स ऑन ए सी ई। तो नेट फोर्स हो जाएगा एफ नेट, क्या हो जाएगा, एफ ए ई और प्लस एफ ए सी ई, यही तो होगा नेट फोर्स। तो एफ ए ई तो ऐसे ही, ए सी ई की जगह भी एफ ए ई रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, टू एफ ए ई, तो टू एफ ए ई क्या हो जाएगा, ए ई के लिए, तो ए ई के लिए क्या हो जाएगा, आई बी एल, थीटा तो 90 डिग्री है, सिंपल सी बात है। तो टू आई कितनी फ्लो हो रही है इसके अंदर, कितने करंट, कितने टू, बी मैग्नेट फील्ड कितनी इंटेंसिटी का है, 0.5 इंटेंसिटी का, लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक कितने, 1 मीटर रेडियस है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, क्योंकि डायमीटर 2 × 4 × 8 = 40, 4 मतलब 4.0 मीटर, मीटर नहीं न्यूटन। तो कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा भाई इस पे, इस वाली लूप में 4.0 न्यूटन का मैग्नेटिक फोर्स होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, चलो अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़े और क्वेश्चन करें, फील आनी चाहिए भाई, है ना। तो क्वेश्चन करते हैं एक और अच्छा सा, स्क्वायर का क्वेश्चन करते हैं, कोई स्क्वायर ब्लॉक टाइप का। तो मान लो क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैं क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, ये ऐसे स्क्वायर बना दिया भाई हमने, ये बना दिया, ये है ना ए बी सी डी, और ये बना दिया यहाँ, करंट फ्लो हो रही है इसमें एक आई, ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है, करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे करंट के डायरेक्शन मेन है, अगर पूरे घूम जाती तो जीरो होता फोर्स, ध्यान रखना है ना। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड, वो इनसाइड है ना, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कितनी इंटेंसिटी है, बी इक्वल टू कितनी इंटेंसिटी का, 0.1 टेस लगा, मैग्नेटिक फील्ड है। करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर की, और जो इसकी क्या है, और जो इसकी क्या है, और जो इसकी साइड है, वो साइड कितनी दे रखी है भैया, साइड दे रखी है हमें 2 मीटर, साइड कितनी दे रखी है भैया, 2 मीटर की। तो स्क्वायर की हर एक साइड सेम होती है तो पता है, नेट फोर्स बताना है तो नेट फोर्स किस किस के कारण होगा, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है आई थिंक, डी ए बी के कारण, डी बी के कारण, डी सी बी के कारण। ठीक है, तो लिखेंगे नेट फोर्स एफ नेट, तो नेट फोर्स होगा वो होगा एफ डी ए बी के कारण प्लस एफ डी बी के कारण प्लस एफ डी सी बी के कारण। अब सारे फोर्सेस सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि करंट का डिस्प्लेसमेंट तो देख लो, मान लो यहां से स्टार्ट हुई वहां पे जाना है तो करंट का डिस्प्लेसमेंट ऐसे थोड़ी जाएगी, करंट तो ऐसे जाएगी, करंट ऑलवेज चूज ए शॉर्टेस्ट पाथ, इस बात को रट्टा मार लो, करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करती है। तो डी सी बी, डी ए बी या डी बी में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, डी बी है, सबको पता है डी बी है शॉर्टेस्ट पाथ, सिंपल सी बात है, तो डी बी वाला फोर्स ले लेंगे। तो क्या करेंगे, एफ डी ए बी भी एफ डी बी हो जाएगा, प्लस ये तो एफ डी बी रखा ही रहेगा और प्लस एफ डी सी बी भी एफ डी बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 एफ डी बी। हम जानते हैं डी बी कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से लगा लो, डी बी क्या, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना बचेगा 8 या
टू रूट टू हो जाएगा ये, तो रख दो भैया थ्री आई, आई कितना है आई बी एल की जगह क्या रखेंगे डी बी रखेंगे, ध्यान रखना है ना डी बी, चलो थ्री आई कितना है फाइव, बी कितना है इंटेंसिटी मैग्नीफाइड पॉइंट वन, और डी बी कितना है टू रूट टू, सोलह को तीन पच्चीस पंद्रह दूनी तीस, तीन थ्री रूट टू न्यूटन, ये फोर्स आया है नेट फोर्स, ठीक है। तो इस लूप पे जो नेट फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा, ऐसे कैलकुलेट करने हैं, समझ में आया, क्वेश्चन अच्छे है ना, दिक्कत तो नहीं है ना कोई, सिंपल सी बात है, पता चल गया होगा अब तक तो कि कैसे हम पाथ चूज करते हैं। मान लो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तुम्हें नहीं पता होता तो हम डीसी भी रख देते, गलत हो जाता ना क्वेश्चन, सिंपल सी बात है ना। तो चूज शॉर्टेस्ट पाथ विल बी ऑलवेज चूजन, ठीक है, टू फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, जो एक अच्छा क्वेश्चन है। उसमें क्या कहा, उसमें कहा है कि भाई किसी वायर में क्या कहा है, किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है, क्या फ्लो हो रही है करंट फ्लो हो रही है, जब उस वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उसे एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है कि जो उस पर फोर्स लग रहा है, एक वायर में करंट फ्लो हो रही है उसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है कि जब उस पर फोर्स लगता है तो वो मैग्नेटिक फोर्स उस वायर के वेट को बैलेंस कर लेता है और उसे हवा में ही लटका के रखता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बताने के कितनी इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया गया था या किया जाना चाहिए, टू फ्लोट द वायर इन द एयर, है ना, इन द एयर, है ना, क्वेश्चन है ना हनी सिंह का, नहीं गाना है हनी सिंह का। तो कुछ ऐसा था कि एक वायर है भाई, ये रहा वायर, ये वायर ए बी यहाँ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से लगा हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बी बतानी है हमें, ठीक है, इस वायर का जो वेट नीचे को लगेगा एम जी, ठीक है, और फोर्स कहाँ को लगेगा, सब जानते हैं एफ मैग्नेटिक ऊपर की तरफ को, करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही होगी तो इस वायर की लेंथ कितनी होगी 0.3 मीटर, ठीक है। तो भैया क्या पूछा हमसे, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो दैट मैग्नेटिक फोर्स विल बैलेंस द वेट ऑफ वायर, ठीक है जी। चलो भाई करते हैं, हमें गिवन है मास जो है ना वायर का मास है कितना 50 kg per meter, वायर का मास कितना है 50 kg per, ध्यान रखना जब भी किसी वायर का मास दिया होता है ना वो क्या केजी पर मीटर में निकालते हैं, मतलब एक मीटर लेंथ में कितना मास है 50 kg, ध्यान रखने की बात, एक मीटर लेंथ में कितना मास है 50 kg, ये टोटल मास नहीं है वायर का, एक मीटर लेंथ में जितना मास होना चाहिए वो है वही 50 kg, मान लो 10 मीटर लंबा वायर है तो कितना मास हो जाएगा 50 × 10 500 kg, मान लो 50 मीटर लंबा वायर है तो कितना मास हो जाएगा 50 × 50, जब तो केजी पर मीटर बनता है, मास यूनिट क्या होती है केजी होते हैं ना मास यूनिट, तो लेकिन केजी पर मीटर दिए मतलब एक मीटर लेंथ में कितना मास फैला हुआ है, उसका मतलब ये मतलब है इस चीज का, है ना। तो भैया हमें पता है जो फोर्स होता है मैग्नेटिक होता है एफ एम इक्वल टू कितना आई बी एल, थीटा तो 90 होगा रखने की जरूरत नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स के वेट को बैलेंस कर रहा तो मैं एम जी के इक्वल होगा, सिंपल जवाब है एम जी इक्वल टू आई बी एल, तो बी कितना हो जाएगा mg अपॉन आई एल, ठीक है, m अपॉन एल की वैल्यू तो गिवन है शायद ये 50 मास पर यूनिट लेंथ है ना, तो क्या रख दे भैया 50 रख दो, इंटू g कितना होता है 10, और i करंट कितनी फ्लो हो रही है इसके अंदर, करंट हो रही है 5 एम्पियर की फ्लो, करंट कितने एम्पियर की फ्लो हो रही है 5 एम्पियर की, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी क्या 10, कितना आएगा 100 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा भैया, बहुत हैवी मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा किसी वायर को फ्लोट कराने के लिए, अगर वो वायर 50 केजी पर मीटर का है तो, ठीक है ना, देखो लेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ का ही वैल्यू दे रखी थी यहाँ, तो मतलब एम अपॉन एल की वैल्यू कहीं ना कहीं अनजाने में, ठीक है, तो याद रखना इस बात को, नोट कर लो फटाफट, मैं देखता हूँ वीडियो बन रही है क्या, नोट करो फटाफट, चलो अच्छी बात है दिख भी रहा सब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आए, आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को बढ़ते हैं, क्या टॉपिक है वो, फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर। तो भैया करते हैं, चलो हेडिंग लगाते हैं, क्या लाइट भाग गई यार, दिक्कत हो रही है शायद दिखाई देने में, थोड़ी दिक्कत हो लेकिन दिखाई देना चाहिए, है ना, फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर्स,
इन दो पैरेलल वायर्स के बीच लगने वाला फोर्स बताना है ना। इनफाइनाइट लेंथ के वायर है भाई, मान लो हमारे पास दो वायर, एक वायर ये इनफाइनाइट लेंथ है, तुम्हें पता डेड डेस्क करके दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा, एक वायर यहाँ पे है ये रहा, इसमें करंट फ्लो हो रही है मान लो आई वन, इसमें करंट फ्लो हो रही है मान लो आई टू, दोनों की डिस्टेंस कितनी है मान लो एक्स है, आर मान लो, चलो दोनों की डिस्टेंस कितनी है आर, दोनों की डिस्टेंस आर मान ली चलो भाई। अब ये वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, सिंपल सी बात है, दोनों वायर अपने अपने मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे क्योंकि इनमें करंट फ्लो हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो इस वायर में जाएगा तो ऐसे ऐसे, इस वायर में ऐसे ऐसे, इस वायर के लिए इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर इस तरफ बाहर, इस वायर के लिए इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर इस तरफ बाहर, ठीक चलो बहुत अच्छी बात है। फोर्स निकालना हो, अगर फोर्स निकालना हो मैग्नेटिक फोर्स, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या करेंगे, करंट ये है रख दो ऐसे, फोर्स कहाँ को लग रहा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को आगे को, फोर्स कहाँ को लगे पीछे को, नहीं शायद कर बोल के, फोर्स आगे को मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और फोर्स आगे की तरफ को, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को और फोर्स आगे की तरफ को। इसके लिए बात करो अगर मैं, तो इसके लिए बात कैसे करेंगे, देखो ऐसे है ना, तो ऐसे करेंगे तो क्या करेंगे भाई, क्या हो जाएगा वही करंट ऊपर को, फोर्स अंदर को, मैग्नेटिक फील्ड इधर को, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ यहाँ एक आर्बिट्री फिगर बना दूँ, तो फिगर बनाने के लिए पहचान के लिए, तो मान लो इसका मैग्नेटिक फील्ड ये लगा बी वन और फोर्स लगा इस डायरेक्शन, देखो तीनों परपेंडिकुलर ही ऐसे तो लगेंगे, ऐसे इसका फोर्स लगा यहाँ एफ और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बी टू, ठीक है भैया। फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों में करंट सेम है और दोनों पे दोनों सेम इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें ये फोर्स बताना है कि कितना फोर्स होगा है ना दो वायर के बीच में। तो ध्यान रखना है वायर नंबर वन है और ये वायर नंबर टू है, एक बात याद रखना मेरी, जब किसी दो पैरेलल वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो तो वे दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जब किसी दो पैरेलल वायर में डिफरेंट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, मतलब एक अपवर्ड तो एक इनवर्ड, मतलब एक ऊपर जा रही तो एक नीचे जा रही, एक अपवर्ड तो एक डाउनवर्ड, तो दोनों वायर एक दूसरे को रिपल करते हैं। अब तुमसे कहे कि सर फिर, अब तुम कहोगे कि सर फिर अगर दो वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दी तो वे दोनों चिपक जाने चाहिए ना, तो चिपकते क्यों नहीं, वो इसलिए क्योंकि उन दोनों के बीच का फोर्स बहुत कम होता है, बहुत छोटा सा होता है, इतना कम होता है कि हम महसूस ही नहीं कर, फील ही नहीं कर पाते। वो फोर्स कैसे निकालेंगे अभी बताऊंगा कैसे निकालेंगे, देखो कैलकुलेट करेंगे, तुम खुद कहोगे हाँ सर बहुत छोटा फोर्स होता है, तो ठीक है चलो भाई। तो यहाँ अगर हम पहले डेरिवेशन ड्राइव कर लेते हैं कि फोर्स एक्चुअली में होता कितना है, ठीक है, तो क्या करें भाई, देखो हम किस पे निकाल रहे हैं, वायर किस पे निकाल रहे हैं, वायर टू पे निकाल रहे हैं फोर्स, चाहे वायर वन पे निकालो चाहे वायर टू पे, किसी एक वायर पे तो फोर्स निकालना पड़ेगा ना, एक वायर के कारण दूसरे वायर पे फोर्स निकाल लो या दूसरे वायर के कारण पहले वायर पे फोर्स निकाल लो। जब मैं इस वायर पे फोर्स निकालूंगा तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड किस वायर के लिए जाएगा, इस वाले वायर का, क्योंकि ये वाला वायर तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा यहां को, क्योंकि देखो ऐसे जा रहा ना ऐसे घूम करके ऐसे, तो इस वायर के कारण इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इन साइड डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, ये तो होगा इन साइड डायरेक्शन में यहाँ, ये अगर ये बात करूँ मैं इसकी तो इसकी तरफ यहाँ इन साइड होगा ऐसे, लेकिन हम क्या बता रहे हैं फोर्स टू पे निकाल रहे हैं वन के कारण, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फोर्स फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो क्या हो जाएगा फोर्स एफ इक्वल टू क्या आई टू बी वन है ना और एल साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है फोर्स का। लेंथ तो इनफाइनाइट है, लेंथ को नीचे ले जाओ फोर्स को, तो एफ अपॉन एल फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे इस हिसाब से, हम बचेगा क्या आई टू बी वन, थीटा कितना है, थीटा तो 90 डिग्री रहेगा तो वो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी। अब आई टू तो ऐसे ही, अब B1 किसके कारण है, इसके कारण। अब जब कोई वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो उस वायर के कारण बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, जब हमने क्या करा था, जब लूप के लिए ड्राइव करा तो वहीं पे स्ट्रेट वायर के लिए भी ड्राइव किया था, वही तो है स्ट्रेट वायर के लिए। तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कितना होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन आर, यही होता है, याद होगा, ना हो तो देख लो कॉपी पलट के फॉर्मूले भी लिखवा रखे थे, देख लो सब, ठीक है, तो रख दो भैया। तो एफ अपॉन एल इक्वल टू आई टू, ऐसे ही बी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बी वन मान लो अगर हम, तो ये आई वन हो जाएगा बस, है ना, तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्या टू आई वन अपॉन आर, या फोर्स की अगर बात करूँ तो एफ अपॉन एल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्या बचेगा 2 I1 I2 अपॉन R।
तो भैया ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ का वायर है, तो टोटल फोर्स कैसे निकाल लेंगे हम, तो हर एक छोटे 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 टुकड़ों पे फोर्स निकालते चलेंगे। मान लो 50 मीटर लंबे वायर पे फोर्स निकालना है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि लेंथ तो नीचे है। ये क्या आया, फोर्स पर यूनिट लेंथ आया है। मान लो 50 मीटर लॉन्ग वायर में फोर्स निकालना है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 मीटर लॉन्ग वायर में फोर्स निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल जवाब है, किसी पर्टिकुलर लेंथ के लिए फोर्स नहीं है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ के लिए है। तो लेंथ तो तुमने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो ना, जितनी लंबी लेंथ का वायर निकालना है, ठीक है, फोर्स निकालना है मतलब वायर थोड़े निकालना है, फोर्स तो निकालोगे यार। चलो भाई, तो ये आया हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ। चलो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला याद कर लोगे, अच्छी बात है। अब क्या नोट करते हैं कुछ, नोट नंबर वन, नोट दस का नोट नहीं है, नोट नंबर वन है, ये तो 100 के नोट के बराबर है। तो नोट नंबर वन क्या है, इफ करंट इज इन सेम डायरेक्शन इन बोथ वायर देन दे विल अट्रैक्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। नंबर टू, इफ करंट इज अपोजिट इन बोथ वायर देन दे विल रिपेल, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है दोनों वायर में तो अट्रैक्ट, और डिफरेंट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो रिपेल, ऐसे 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 ऐसे, है ना, तो ऐसा हो जाएगा। अब एक बात याद रखना, क्वेश्चन में वो नेचर भी पूछता है फोर्स का, कि एक तो वायर पे फोर्स बताओ और उस फोर्स का नेचर बताओ, कौन से नेचर का है ना, मतलब अट्रैक्टिव नेचर का है या रिपल्सिव नेचर का है। चलो अच्छी बात है, ये बातें तुम्हें आई थिंक पता चला यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब यहाँ से एक नई डेफिनेशन निकल कर आती है एम्पियर की, कि एक एम्पियर कितना होता है, वो डेफिनेशन हम यहाँ से निकाल, क्योंकि एम्पियर एक टाइप का फोर्स ही है। सॉरी, चलो तो एक एम्पियर की करंट निकालते हैं हम यहाँ से, मतलब वन एम्पियर कितना होता है। तो फॉर्मूला तो याद होगा तुम्हें, चलो फॉर्मूले के बेस पे देखते हैं, जब बताऊंगा देखोगे कितना छोटा फोर्स आता है किसी वायर में, है ना, वो देखना होगा। फोर्स है हमारे पास एफ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। तो एक एम्पियर की डेफिनेशन के लिए कुछ अजम्पशन करनी पड़ेगी, लेट क्या, लेट आई वन, एक एम्पियर की बात करें तो एम्पियर मतलब करंट, एक एम्पियर मतलब करंट की वैल्यू 1 रख दो, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, है ना, और R डिस्टेंस का रख दो 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ, 1 यूनिट डिस्टेंस रख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो फोर्स क्या हो जाएगा, F हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 to the power -7 into 2 into 1 into 1 upon 1। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा फोर्स, F इक्वल टू 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है किसी भी पर्टिकुलर लेंथ पे किसी भी एक वायर में अगर हम 1 एम्पियर की करंट फ्लो करा दे, अगर किसी दो वायर में हम 1 एम्पियर की करंट फ्लो करा दे, देखो 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है मैं बता रहा हूँ, फिर बात को लिख भी दूंगा। अगर हम किसी वायर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो करा दे और अगर वो दोनों वायर एक दूसरे से 1 यूनिट डिस्टेंस पर रखे हो, तो उन दोनों वायर के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर का, यही 1 एम्पियर है, ठीक है। मतलब अगर हम किसी दो वायर में ऐसे दोनों में कितनी करंट फ्लो करा दे, 1 एम्पियर की करंट फ्लो करा दे, जबकि जनरली 1 एम्पियर की करंट बहुत बड़ी करंट है, और दोनों को 1 यूनिट या 1 मीटर डिस्टेंस पे रख दे, तो इन दोनों वायर के बीच लगने वाला फोर्स जो होगा वो होगा 10 to the power -7। तो बताओ कितना छोटा फोर्स है नहीं, बहुत ज़रा सा फोर्स, तो क्या पता लगेगा। तो मैं देखो 10 to the power -7 आ रहा भाई, है ना, इकाई दही सैकड़ा हज़ार हज़ार लाख 10 लाख, 1 का मतलब 2 का 10 लाखवा हिस्सा, तो कहाँ फील होगा भाई, 2 न्यूटन का फोर्स भी इतना हैवी नहीं होता, ठीक है, तो 2 न्यूटन का 10 लाखवा हिस्सा है, तो एक ऐसा फील हो जाएगा। तो आई बात समझ में, तो इसलिए हमें फील नहीं होता कि जब किसी दो वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो वे दोनों ना तो अट्रैक्ट करते ना ही रिपल करते, क्यों, क्योंकि फोर्स बहुत छोटा है। अगर हम बहुत हाई एम्पियर की करंट फ्लो करा दे और दोनों की डिस्टेंस ज़्यादा कर दे, दोनों की डिस्टेंस कम से कम कर दे, तो एकदम चिपक जाएगा, क्योंकि देखो डिस्टेंस के क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस कम फोर्स ज़्यादा, और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, तो यहाँ से आ जाती है बात। तो यहाँ से क्या आती है, 1 एम्पियर की करंट, तो 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज ए क्वांटिटी, क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर इज ए करंट व्हेन 1 एम्पियर इज ए फोर्स, नहीं, 1 एम्पियर इज ए करंट व्हेन
वी गिव इन बोथ पैरेलल वायर एंड दे प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर then they experience a force of 2×10⁻¹⁷ N·m. तो ये एक 1 एम्पियर की डेफिनेशन है भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। अब क्या करना है भाई, तुम जानते हो न्यूमेरिकल करने हैं, थोड़े से न्यूमेरिकल करते ही ये सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। चलो भाई, और न्यूमेरिकल करें एक अच्छा सा कोई सा। चलो तो एक तो सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 4 तो कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 5 एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लो दो पैरेलल वायर्स हैं, इसमें करंट फ्लो हो रही है, एक में करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पियर की, और एक में करंट फ्लो हो रही है कितनी, 3 एम्पियर की, और क्या है इन दोनों के बीच का फोर्स, वो डिस्टेंस है 5 मीटर। क्या बताना है? फाइंड फोर्स बिटवीन दैम, दोनों के बीच फोर्स बताना है। क्या बताना है? दोनों के बीच फोर्स, और फोर्स का नेचर बताना है। तो फोर्स निकाल लो भाई, पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ बताना है, क्योंकि लेंथ गिवन नहीं। जब लेंथ गिवन ना हो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल देंगे, और अगर लेंथ गिवन हो गए, इतनी लेंथ बताओ तो लेंथ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π क्या 2I1I2 अपॉन r, ये फॉर्मूला होगा। म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू 10⁻¹, 2I1 की वैल्यू 5, I2 की वैल्यू 3, नीचे चल रहा 5, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचेगा 6×10⁻¹ N·m। ये आया भाई हमारे पास फोर्स। नेचर कैसा होगा फोर्स का, बताओ जल्दी फटाफट बताओ, नेचर कैसा होगा? दोनों के डायरेक्शन सेम, अट्रैक्टिव नेचर है ना, क्या होगा? करंट इज इन सेम डायरेक्शन, सो फोर्स इज अट्रैक्टिव। ठीक है, अब वो पूछे इफ लेंथ ऑफ वायर इज कितना, 50 मीटर, देन फाइंड द फोर्स ऑन वायर। तो फोर्स बताना है दोनों वायर के बीच में, अगर लेंथ वायर के कितने दे रखे हैं 50 मीटर, तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो भाई, एफ अपॉन 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6×10⁻¹, या एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 जाएगा वहाँ, 6×10⁻¹×50, या क्या हो जाएगा, 6×5=300×10⁻¹, या क्या हो जाएगा, 3×10⁻¹. ये आया भाई हमारे पास क्या, फोर्स बिटवीन टू वायर। तो दोनों वायर के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो इतना होगा, याद रहेगी बातें? कोई दिक्कत यहाँ तक? ढंग का क्वेश्चन करें अभी, एक अच्छा क्वेश्चन, ढंग का क्वेश्चन जो तुम्हें मजा आए। ठीक है, बोलो कि भैया जी आज तो मजा बांध दिया। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर सिक्स कुछ ऐसा है, वैसा ही है जैसे सब है, लेकिन कुछ थोड़ा सा इसमें अंतर है। अंतर क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें क्या बताना है, फोर्स बताना है ना, क्या बताना है, फोर्स बताना है हर एक साइड पे। कैसे? मान लो हमें एक रेक्टेंगुलर वायर दी जाएगी, ये वायर किसकी शेप में दे रखा है, रेक्टेंगुलर शेप में। चलो ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, अच्छा रेक्टेंगुलर लूप है, कि इस लूप के अंदर कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, मान लो I1 जो कि 15 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब लूप ऐसा जाएगी करंट, तो लूप करंट कंप्लीट करेगा, फोर्स तो जीरो होगा इस लूप के कारण, तो फोर्स जीरो होगा, ये तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन हमने क्या काम करा, हमने एक आइडिया लिया और एक नीचे वायर रख दिया, इन्फाइनेटली लॉन्ग लेंथ का वायर रख दिया नीचे। इस वायर में करंट फ्लो हो रही है आई इक्वल टू कितने एम्पियर की, 25 एम्पियर की। ठीक है, तो इस करंट के कारण तो फोर्स लगेगा ना इस पे, इस वायर के कारण। देखो इस वायर के कारण भले ही फोर्स ना लगे इस लूप के कारण अपने आप पे, लेकिन इस वायर के कारण इस लूप पे जरूर फोर्स लगेगा, वो दो पैरेलल वायर के भी, देखो दोनों पैरेलल है ना ये, तो लूप कह दो ABCD, और कितनी दूरी पर रखा है वायर, ये वायर रखा है मान लो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और इसकी रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर, और ये कितने सेंटीमीटर हो गई, ये है 20 सेंटीमीटर की। चलो भैया ये चीज़ें दे रखी है हमें, अब हमसे पूछा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन द लूप एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड नेचर ऑफ द फोर्स का नेचर बताना है, और क्या बतानी है,
फोर्स की डायरेक्शन। चलो ट्राई करो सब फटाफट, ट्राई करिए सब, ट्राई करो। चलो अच्छी बात है, ट्राई कर, चलो मैं ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार वीडियो चेक करनी पड़ती है भाई, कभी ऐसा लगे कि क्योंकि मोबाइल से देखो, अभी तो मोबाइल से शूट कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे तुम लोगों का प्यार मिला तो सब कुछ हो जाएगा। देखो ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑन द लूप एंड नेचर ऑफ द फोर्स। चलो भाई, तो अब एक बात बताओ ज़रा मुझे, एक बात तो बताओ, बात ये दोनों वायर पैरेलल दोनों, तो इसके कारण फोर्स लगेगा ठीक है, क्या ये वाला वायर और बी से वायर पैरेलल है? नहीं, फोर्स जीरो, पैरेलल ही नहीं है, तो फोर्स का मतलब क्या है, जीरो लगा ठीक है। ये दोनों पैरेलल है ए बी और ये वाला वायर, तो इसके कारण फोर्स लगेगा, और क्या ए डी के कारण फोर्स लगेगा, जीरो ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन डी सी, फोर्स ऑन डी सी ड्यू टू कौन सा वायर, मान लो ई एफ वायर है, ड्यू टू ई एफ। चलो तो क्या होगा, एफ डी सी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्या, टू आई वन आई टू अपॉन आर। चलो भाई तो लिखो जरा यहाँ, एफ डी सी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टेन टू, अभी रखे रहने दो इसे ऐसे, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्या बचता है, टू, आई वन की वैल्यू कितनी है 15, आई टू की वैल्यू कितनी है 25, अपॉन डिस्टेंस कितने दोनों के बीच, 2 सेंटीमीटर, दोनों के बीच 2 सेंटीमीटर है, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। चलो 2 से 2 कैंसिल, 25 की 15 से करेंगे तो 25 5 125 है ना, 5 12 20 37, तो आएगा 375 इंटू 10 टू दी पावर 2 इंटू, चलो ये भी रख दो उसकी वैल्यू भी, 10 टू दी पावर माइनस 7, तो क्या आ जाएगा ये 375 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 न्यूटन। ये आया भाई हमारे पास क्या, फोर्स आया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। चलो कोई दिक्कत नहीं, या है कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लेंथ नीचे चल रही है, ध्यान रखना इसकी लेंथ क्या आएगी, एल डी सी ठीक है, न्यूटन पर मीटर, इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे फोर्स ऑन बी सी ड्यू टू, किसके ड्यू टू निकालनी है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ई एफ, कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल नहीं है तो एफ बी सी कितना हो जाएगा, जीरो। फोर्स ऑन ए बी ड्यू टू किसके कारण, ई एफ के कारण, तो एफ ए बी कितना हो जाएगा, देखो जरा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई वही टू, आई वन की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 15 अपॉन डिस्टेंस कितनी, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 2 तो ये 10 ये, तो डिस्टेंस कितनी हो गई टोटल, ये 12 सेंटीमीटर हो गई, याद रखना गलती मत कर देना, कितनी आई 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो F अपॉन L ए बी चल रहा, लेंथ भी है, तो F अपॉन L ए बी ए बी, सोल्व करो इसे, 10 टू द पावर माइनस 7, 2 से काटो 6 टाइम्स कटेगा, 2 और ये 5 बार ठीक है, तो 25 बन जाए 125, 125 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर प्लस 2, तो हो जाएगा कितना, काट दो इसे 6 है ना, और कितनी बार कटेगा, 2.5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये माइनस 5 न्यूटन पर मीटर। तो ये हुआ भाई फोर्स, हमारे पास सारे फोर्स आ गए, अब नेट फोर्स निकालना है। अब एक बात बताओ, यहाँ देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, दोनों कैसे करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, और वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे दोनों, तो मतलब दोनों का फोर्स का नेचर जो होगा अलग अलग होगा, नहीं होगा। चलो वैसे निकाल लेते हैं फोर्स, करंट की डायरेक्शन कहाँ को है, ऐसे करंट ऐसे जा रही तो फोर्स बाहर को, और वह करंट ऐसे जा रही फोर्स अंदर को, ऊपर करंट ऐसे जा रही तो फोर्स अंदर को इस पे, और इधर को जा रही है करंट तो फोर्स बाहर को, तो दोनों के नेचर अलग अलग हुआ ना फोर्स का। तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन लूप क्या हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू क्या, बड़े में से छोटा घटा, बड़ा फोर्स कौन सा आया है, ऊपर वाला, छोटा कौन सा आया है, नीचे वाला। वैसे भी ऑब्वियस बात है, जब डिस्टेंस बड़ी है तो फोर्स छोटे आएगा, ऊपर वाले का तो छोटा ही आया है, देखो तो क्या हो जाएगा, एफ डी सी माइनस एफ क्या हो जाएगा, ए बी ठीक है यहाँ तक। चलो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो लास्ट में, आप दोनों की लेंथ तो सेम ही है, तो एल मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो ये वाली लेंथ यहाँ, ये वाली लेंथ यहाँ, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम हमारा ठीक, तो नेट फोर्स आ जाएगा। तो देखो भाई यहाँ कर लो, देखो तो एफ नेट हो जाएगा हमारे पास यहाँ क्या, एफ नेट इक्वल टू एफ डी सी, डी सी कितना आया था 375 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 माइनस, ये कितना आया, ए बी, ए बी आया हमारे पास 62.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और लेंथ कितनी है दो बीच की 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, कर लो भाई सॉल्व, घटा दो इसे जल्दी से, कितना 375
62.5.0 कितना बजेगा 5.2 है ना, 312 तो 312 इंटू 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 हो जाएगा कितने 426 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 न्यूटन। ये भाई हमारे पास एफ नेट फोर्स आया है। समझ में आया कुछ? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? क्या ये क्वेश्चन दिमाग में आया क्या? तो आया समझ में क्वेश्चन कैसे करना था? कोई दिक्कत यहाँ तक कि क्वेश्चन कैसे करने हैं, फोर्स होने करंट वाले? एक क्वेश्चन और करते हैं कोई ढंग का, अच्छा क्वेश्चन करते हैं एक और, ठीक है? चलो भाई एक क्वेश्चन और कर लो जब कह रहे हैं तो। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा शायद। एक वायर ये दे रखा हमें, एक वायर ये दे रखा है हमें, एक वायर ये दे रखा है हमें, ये ए, ये बी, ये सी। I1 इक्वल टू 5 एम्पियर, I2 इक्वल टू 3 एम्पियर, I3 इक्वल टू 6 एम्पियर, ठीक। बीच की डिस्टेंस 3, यहाँ की डिस्टेंस 3 मीटर मीटर। लेंथ इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ के वायर है, हमें बताना है फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन किस पे, सी। सी पे नेट फोर्स बताना है बाकी दो वायर के कारण। ट्राई करो, करो ट्राई जल्दी। इस वायर सी पे इसके कारण और इसके कारण जो नेट फोर्स लगेगा वो बताना है बाबूजी हमें। चलो ठीक है, चलो करो जल्दी, फटाफट करो, फटाफट करो। ठीक है चलो कर लिया। चलो हम बताते हैं, देखो पहली बात, ये वाला इस पे भी फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पे भी फोर्स लगाएगा। ये भले लगाएगा इन दोनों पे, लेकिन हमें इससे थोड़े लेना कुछ, हमें तो इस पे निकालना है। इसने कितना लगाया ये थोड़े निकालना है, इस पे कितना लगा ये निकालना है। तो इसके कारण इस पे, इसके कारण इस पे, तो नेट फोर्स देखो कहाँ को जाएगा। तो देखो भाई फोर्स कहाँ को लगेगा, दोनों के बीच, दोनों पैरेलल है ना, डायरेक्ट करंट दोनों के ऊपर जा रही है, तो अट्रैक्शन इन दोनों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स होगा, और यहाँ लगेगा इन दोनों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो ऐसे है ना, ये इधर, तो दोनों के बीच ऐसे जाएंगे। दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, अलग अलग हो गई, अलग अलग हुई है ना। देखो ऐसे जा रहा है इसे खींचने के लिए, और ऐसे जा रहा है इसे खींचने के लिए, दोनों के बीच कैसा फोर्स, अट्रैक्शन का फोर्स है। समझ में आई बात नहीं? तो कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, चलो भाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ नेट ऑन सी क्या हो जाएगा, एफ ड्यू टू इज प्लस एफ, नहीं माइनस, क्योंकि बीच में है ना, ड्यू टू बी। तो एफ ए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R1 माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा, 2 I2 I3 अपॉन R2। चलो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लो, अंदर के बजाय I1 I2 कितना 5 into 3, और नीचे क्या चल रहा है R1 कितना है 3 माइनस, ये कितना देखो 2 तो बाहर ले लिया, 3 into 6 नीचे क्या चल रहा है 3, तो क्या बचेगा भाई हमारे पास, 10 to the power -7 into 2 upon 3 into क्या बचेगा, 5 या 15 3 6 18 कितना बचेगा माइनस के 3 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 into 10 to the power -7 नेगेटिव। तो नेट फोर्स जो होगा किस डायरेक्शन में होगा, अलग, एक नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, मान लो अगर हम अंदर मान रहे तो बाहर की तरफ को होगा, ठीक है। तो निगेटिव फोर्स लगेगा भाई इतना ऐसे वायर में। तो समझ में आया कैसे क्वेश्चन करने हैं, आई होप तुम लोगों के समझ में लेक्चर आया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी पूछ लेना। तब तक के लिए हम और आप लेते हैं इजाज़त, अलविदा, थैंक यू।